साथियों, मैं धीरज आपका दोबारा से स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल ओन प्रॉपर्टीज़ में। मैं आपके लिए बेस्ट से बेस्ट, अगर आप चाहें ये बोल सकते हैं कि एकदम भगवान की चरणों में हम आ गए हैं, मैं लेके आया हूं आपके लिए एक ऐसा प्रोजेक्ट जो कि आपका मथुरा के अंदर ही है। आप जब चाहें तब जाके भगवान के पास रह सकते हैं, हरे कृष्ण के दर्शन कर सकते हैं। चाहे सावन में आप गोवर्धन की परिक्रमा लगा लीजिए, या जैसे एकादशी अभी निकला है 2-4 दिन पहले, तो उसमें आपके वहाँ पे अपनी मजबूरी। इसी तरीके से मैं आपको एक बेस्ट एंड बेस्ट सोसाइटी फुल्ली डेवलप एंड टू मूव प्लॉट्स लेके आया हूँ कि आज आप लीजिए, कल आप आके बना लीजिए। ऐसा इससे अच्छा और इससे बेटर भी हम नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ, वन ऑन दी वन अच्छा सोसाइटी है जो मैं आपको इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ। जो मैं आपको इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ, मिलेगा आपको साइड बाउंड्री मिल जाती है, प्लॉट्स मिलेगा आपको, साइड बाउंड्री मिल जाती है, देन आपके साथ 24/7 सिक्योरिटी मिल जाती है, सब चीज़। पर ऐसा ही आपको प्लॉट्स ढूंढ रहे होंगे कि आप बना लें, तो ये कॉन्सेप्ट वाला चीज़ मैं आपको इस बार लेके आया। आपको बेस्ट बेस्ट इसको अंदर क्या क्या चीज़ फैसिलिटी, मैं आपको फैसिलिटीज़ की बताऊँ यहाँ पे इन फ्यूचर यहाँ पे क्या डेवलपमेंट आ रहा है नियर बाय में, लाइक कि मथुरा में गौ क्या डेवलप करेगी, देन कौन से मंदिर आई होंगे और यहाँ नियर एप में यहाँ से, और कितनी साइड और कितना बड़ा एरिया है जो मैं आपको यूज़ करूँगा। आप वीडियो में बने रहिए साथ ही। ऐसे ही और भी अमेजिंग एंड प्रॉपर्टी रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। यह है हमारा एंट्री गेट, जैसे कि आप देख पा रहे हैं एंट्री गेट में अच्छी तरह बना हुआ है। साइड में आप जो शॉप्स देख रहे हैं, ये आपका कमर्शियल शॉप है। ये एंट्री रहेगा आपका, एक साइड के लिए एंट्री रहता है, एक साइड से आपका एग्ज़िट रहेगा। साथ ही जैसे आप गेट से एंट्री लेंगे तो आपका लेफ़्ट साइड में ही, जैसे मैं चल रहा हूँ अभी, लेफ़्ट साइड में आपका जो है गार्ड रूम है, यहाँ 24/7 सिक्योरिटी भी रहेगा। जैसे कि आप रोड देख रहे हैं, काफ़ी अच्छी खासी चौड़ी रोड है, इस पर खंभे लगे हैं बिजली के, और जो प्लॉटिंग एरिया में भी देख रहे हैं आप, इसमें भी अच्छे खासे बिजली के खंभे लगे हुए हैं, मतलब कि डेवलपमेंट का काम अच्छा चल रहा है। ये आपका पार्क है, हो गया एक, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिसिटी पोल है, सामने मंदिर देख पा रहे होंगे आप, और ये आपका कमर्शियल आ गया जिसमें आप, ये सोसाइटी के अंदर कमर्शियल है, जो मैंने आपको पहले दिखाया था पीछे की साइड, वो आपका जो है रोड साइड के लिए कमर्शियल हो गया। दोनों के रेट्स में डिफरेंस रहेगा। साथ ही आप देख पा रहे होंगे कि दूर तक वो जो वाइट रंग का आपका घर दिख रहा होगा, तो यहाँ लोग आके बना के रह रहे हैं। जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर ऐसा है कि कंपनी जो है आपको डेवलपमेंट के साथ साथ आपको सारी चीज़ें डेवलप करके दे रही है, प्लस आप वहाँ पे आके रह सकते हैं। मतलब मान लीजिए कि आज आपने ये लैंड खरीदा, मतलब प्लॉट लिया आपने, आपका मन करे अगर आप अभी बना के रहना चाहते हैं, रह सकते हैं। यहाँ पे सारी चीज़ की फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, जैसे कि बिजली हो गया, पानी हो गया, मीठा पानी है यहाँ पे, देख बिजली की लाइन आपको देख पा रहे हो, लाइन है, रोड्स बने हुए हैं, बस रोड से थोड़ा सा काम होना बाकी है। ये भी कंपनी कह रही है कि 6-7 महीने के दौरान में ये भी कंप्लीट कर दिया जाएगा। साथ ही आप देख सकते हैं ग्रीनरी का कितना अच्छा ख्याल रखा गया है। तो इस प्रोजेक्ट में मैं बता दूं कि आपको कम से कम 20 से 25 पार्क्स मिलेंगे। जैसे कि अभी मैं जो है यहाँ पे जो आपको मंदिर दिखाया था, मैं मंदिर के साइड जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ऐसा है कि जैसे आप एंट्री लेते हैं, तो आपको एंट्री लेते ही सबसे पहले आपको कंपनी ने ये रूल बनाया है, एंट्री लेते ही मंदिर है। ये रोड देख सकते हैं आप, कितना चौड़ा रोड है, काफ़ी अंदर तक है साइड। अभी मैं मंदिर के साइड जा रहा हूँ, अभी देखिए यहाँ पे भी काम होना बाकी है। देखिए सीवर देख रहे हैं आप, यहाँ सीवर लाइन तक डली हुई है। अब बस आपका आने का रहने का व्यवस्था है, आप आइए, आपको आप अपने हिसाब से बना के रहिए। 50 गज, 100 गज, 150 गज, जितना आप लेना चाहें यहाँ पे अवेलेबल है। बाकी मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप जो कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप मुझे इसी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को लाइक भी करें और आप शेयर कर सकते हैं, साथ अगर आप किसी फ्रेंड को दिखाना चाहते हैं तो। ये देखिए ये मंदिर है, और साथ में मंदिर के साथ साथ ये आपका पार्क है। देखिए किस तरीके से पार्क डेवलपमेंट किया गया, मेंटेन करा हुआ है,
तो आप सोच सकते हैं कि जो लोग यहाँ पे आने लग जाएंगे, कम से कम 20-25% लोग यहाँ पे आके रहने लग जाए, तो अच्छे से डेवलप करके देगी कंपनी, ये तो आप भी लोग भी मानते हैं। अब अचानक से आप बोले कि हाँ सब कुछ डेवलपमेंट चाहिए, वो चीज़ नहीं मिल पाएगा। तो इस वजह से मैं आ जाता हूँ। ये हमारा जो प्रोजेक्ट का पहला, वो था पहला प्रोजेक्ट, ये है आपका दूसरा प्रोजेक्ट। सेम आपको जितने भी हमारे प्रोजेक्ट सब में ऐसे गेट्स बने हुए मिलेंगे एंट्री एग्जिट का। ये देखिए इसमें लिखा है आपका राधा रानी टाउनशिप, वो फेज़ 1 था, टाउनशिप फेज़ 1। आप एंट्री लेते ही आपका देखिए एक अच्छा खासा रोड बना हुआ है। एंट्री लेते हैं आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है आपका घर बने हुए हैं। साथ ही आप देखिए, ये आप देख सकते हैं प्रीमियम सोसाइटी की तरह बनाया गया है। आपको प्रॉपर तरीके से रोड दे रहे हैं, 20-20 फीट के, 25-25 फीट के, 40-40 फीट के आपको रोड्स मिल रहे हैं और बेटर रोड मिल रहे हैं। आप सामने देखिए फाउंटेन बनाया हुआ है, कंपनी ने ही बनाया है। आपको ऐसा लग रहा है लग्जरी जो सोसाइटीज़ होती है उसमें आप आ रहे हैं। आप देख सकते हैं ये देखिए ये रोड है, आप देखिए सामने देख रहे हैं आप, इस पे लोग कंपनी जो है आपको फ्लैट्स बना के दे रही है। अगर आप फ्लैट लेना चाहते हैं फ्लैट्स मिल जाएगा आपको। इसके जस्ट बैक साइड में जाएंगे तो लोगों ने घर बना रखे हैं। और आप मेरे राइट साइड में अभी देख रहे थे आपका देखेंगे तो ये जो राइट साइड में आपका जो है इंटर CBSE स्कूल है आपका, जो आपके प्रोजेक्ट से बाहर निकलते ही CBSE स्कूल है। और आपके लेफ़्ट साइड में जो है आपका इंटर कॉलेज है आपका। आराम से अगर आप स्टडी करना चाहते हैं यहाँ फिर ऐसे स्टडी भी कर सकते हैं। अगर आपका वर्क है नियर बाय, इसके अच्छा खासा गांव बसा हुआ गांव है, सब कुछ बसे हुए हैं यहाँ पे, अच्छे से लोग रह रहे हैं। अगर आप पीछे देखा, अगर दूर से देख पा रहे होंगे तो जो है कि यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही लोग आके, मतलब कि कम से कम 20-25 लोग जो है आपका आके रह रहे हैं। ये आप देखिए ये फाउंटेन बना गया है, अभी कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है। बाकी आप जान सकते हैं कि लॉकडाउन का टाइम था, लॉकडाउन के बीच में कंपनी अपना काम कर ही रही है। आप जब जो लोग यहाँ पे अभी मैंने फिर से बता रहा हूँ 20-25% लोग आके रहने लग जाए तो कंपनी को भी अच्छा लगेगा कि हाँ चीज़ें वो डेवलप करके दे रही है अभी। लेकिन अपने हिसाब से कंपनी ने बहुत सारी चीज़ें डेवलप कर दी, जैसे आप देख पा रहे हैं रोड डेवलप्ड है प्रॉपर तरीके से, स्ट्रीट लाइट्स लगी है, बिजली के खंभे लगे हुए हैं इसमें। और साथ ही आप जैसे देख रहे हैं कि आपको फ्लैट्स बना के दे रहे हैं, अगर फ्लैट्स लेना चाहे फ्लैट्स ले सकते हैं आप, सब चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। बाकी आप देखिए ये आपका प्रॉपर प्लॉटिंग एरिया रहेगा। ये आपका हमारा ये सेकंड प्रोजेक्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, इससे पहले जो आप देख रहे थे वो फर्स्ट प्रोजेक्ट था। ये पीछे आप देख पा रहे हैं जो घर बने, छोटे छोटे घर दिख रहे हैं, काफ़ी बड़ी लैंड है ये। वो जो छोटा सा आप टंकी भी देख पा रहे हो अगर दूर से दिख रहा होगा, अगर आप इसमें टंकी देख पा रहे हो टंकी भी देखिएगा, अगर इसमें मंदिर देख पा रहे होंगे मंदिर भी देखिएगा आपको। जबकि बाकी स्ट्रीट लाइट्स आप देख सकते हैं कि ऐसा लग रहा है कि खंभे खंभे है। ये कंपनी ने सारी स्ट्रीट लाइट्स लगा कर दिए हैं, मतलब बिजली की आप सारी फैसिलिटीज़ हैं, मतलब पानी चाहे मीठा पानी मिल जाएगा। देखिए जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ आपको छोटे छोटे घर बने हुए दिख रहे होंगे। यहाँ पर जो है लोग आके कम से कम 10% लोग आके रह रहे हैं अभी के टाइम पे। तो मैं आपसे दोबारा कहता हूँ कि अगर आप लेते हैं तो ऑन टाइम, आप अगर आपको लगता है कि हाँ मैं आज सही बना कर रहना चाहता हूँ तो आप आराम से बना कर रह सकते हैं। देखिए ये आपको वाइट घर दिख रहा है, वो पानी की टंकी आपको मे भी दिख रहा हो, बाकी देख सकते हैं आप ये इजीली। ये आपका मंदिर है, ये हम जो है गेट नंबर 2 से एंट्री लिया था, तो मैं आपको मंदिर नहीं दिखा पाया। नेक्स्ट टाइम मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर मंदिर दिखाऊंगा। साथ ही अगर आप विज़िट करना चाहते हैं या प्रोजेक्ट देखना चाहते हैं मुझे नीचे दिए गए नंबर पे या स्क्रीन पर आपका दिख रहा है जो नंबर उस पर कॉल कर सकते हैं। अब मैं आ गया हूँ ये आपका हमारा थर्ड प्रोजेक्ट गोवर्धन वाले पे। ये कंपनी ने हाल ही में लॉन्च किया है जनवरी के में, तो ये थोड़ा सा अनडेवलप्ड है लेकिन इसमें भी थोड़ा थोड़ा काम चल रहा है। अगर आप मैं आपको दिखाना चाहूँ तो आप देख सकते हैं हैंडपम्प है, ये रोड का काम स्टार्ट हो रखा है धीरे धीरे, आप देख पा रहे होंगे 100 एकड़ ये मटेरियल आ रखे हैं, देखिए काम चल रहा है। जो लोग अपना बना के रहना चाहते हैं वो बना के
रह सकते हैं यहाँ पे भी। यहाँ पे भी कंपनी जो है आपको तीनों प्रोजेक्ट में कंपनी आपको जो है मेन गेट बना कर दे रही है, जिसमें किसी साइड में आपका दो गेट हैं, किसी में तीन गेट हैं, आज मैं आ गया हूं मथुरा, किसी में आपका जो है चार गेट भी हैं, और सभी साइटों पे आपको जो है कम से कम आपको 15 पार्क आपको जरूर मिलेगा हर ब्लॉक में। यहाँ पे सिस्टम यह है कि ब्लॉक वाइज दिया गया है, ए ब्लॉक, बी ब्लॉक एंड सी ब्लॉक, तो ब्लॉक वाइज हर ब्लॉक में आपको पार्क मिल गए, हर ब्लॉक में आपको कमर्शियल एरिया मिलता है। देखिए ये वाली साइट पे भी आपको स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई दिख रही है, मतलब बिजली यहाँ पे भी मिल जाएगा आपको। और कंपनी ये कहती है कि हम कंपनी जो है आपको फोर साइड बाउंड्री करके देगी, मतलब आपका जो प्रोजेक्ट हमारा जो प्रोजेक्ट है आपको चारों तरफ से बाउंड्री रहेगा, एक साइड आपका एंट्री और एंट्री एग्जिट का गेट रहेगा। तो बहुत अच्छी सोसाइटी है, आप एक बार जरूर आके देखें। बेसिकली अगर आप नहीं लेना चाहते तो भी आप एक बार आके देखें, चीज़ ऐसी है कि आप देख नहीं सकते। ये आपको कुछ मैं संडे के क्लिप्स दिखा रहा हूँ, लोग आए थे संडे के दिन, जो संडे के दिन विज़िट करना चाहते हैं संडे के दिन विज़िट कर सकते हैं। कंपनी की साइड से आपको कैब प्रोवाइड किया जाता है, और साथ ही कंपनी की साइड से आपको यहाँ पे खाने पीने का अरेंजमेंट कराया जाता है। एवरी संडे आप अच्छे से विज़िट करना चाहें तो आपको हमारे ऑफिस आना पड़ेगा, ऑफिस से आपको जो है कम्प्लीटली आपको साइट विज़िट कराया जाएगा, जो भी चीज़ें वो दिखाया जाएगा, जो आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं। साथ ही अगर आप 31 मार्च तक आते हैं तो आपके लिए एक बेस्ट ऑफ़र है, और वो ऑफ़र आप आएंगे तो आपको बताया जाएगा। ये देख सकते हैं काफ़ी रश है, ये संडे वाला माहौल है, आप देख पा रहे हैं काफ़ी रश है। करीबन करीबन 100-150 गाड़ियां आई हुई हैं हमारे संडे वाले दिन के लिए। ये देखिए आप देख पा रहे होंगे, जैसे कि ये प्रॉपर लैंड है, प्रॉपर एरिया है आपको, मतलब कि आप सोसाइटी के अंदर जाएंगे अगर आप लेना चाह रहे हैं, सोसाइटी के अंदर आपको मिलेगा, जिसमें आपको चारों तरफ से दीवार है, मतलब एक प्रीमियम सोसाइटी आपको हम प्रोवाइड करें, जिसके अंदर सारी फैसिलिटीज़ है, बिजली, पानी, रोड, सीवर लाइन। देन आपको एक बहुत अच्छा फैसिलिटी मिल रहा है कि आप मथुरा नगरी में हैं, कृष्ण नगरी में जो कहते हैं, कृष्ण की नगरी में। देखिए